आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बड़ा ही दुखद विषय है कि 24 घंटे के अंदर हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार प्रहार होता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। सलमान खुर्शीद, अलवी साहब और अब स्वयं उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा। कल भारतीय जनता पार्टी ने सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सोनिया जी और राहुल जी इस पर जवाब दें, सफाई दें। और आज आपने देखा है कि किस प्रकार से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के वक्तव्य के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है। और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। मैं आज कहना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये जो सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म के विरोध में कहते हैं, उसको बोको हराम या आईएसआईएस से कंपेयर करते हैं, या जब शशि थरूर हिंदू तालिबान कहते हैं, या जब सैफरन टेररिज्म कहा जाता है, ये दिग्विजय सिंह जी या मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ कहते हैं, तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी जी के बहकाने के बाद, राहुल गांधी जी के पढ़ाने के बाद, राहुल गांधी जी के कहने के बाद, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, दिग्विजय जी, मणिशंकर अय्यर, फहरिस्त बहुत लंबी है, ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं। इट इज एट द बिहेस्ट ऑफ द गांधी फैमिली, पर्टिकुलरली मिस्टर राहुल गांधी, दैट द अदर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी, बी इट सलमान खुर्शीद, बी इट दिग्विजय सिंह, बी इट राशिद अलवी और बी इट मणिशंकर अय्यर, दे ऑफ्टन स्पीक अगेंस्ट हिंदुइज्म। दिस पैथोलॉजिकल हेट्रेड फॉर हिंदुइज्म अमंगस्ट द कांग्रेस लीडर गेट्स इट्स ट्रैक्शन, गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम मिस्टर राहुल गांधी एंड फ्रॉम द गांधी फैमिली। बंधुगण, मैंने आपको कहा था कि यह कोई पहली बार नहीं है जो राहुल गांधी हिंदुइज्म के विरोध में, हिंदू धर्म के विरोध में कह रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण लेके आया हूं, क्योंकि अगर बहुत सारे उदाहरण दूंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबा होगा, बड़ा होगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं 17 दिसंबर 2010 का, जब विकिलीक्स सामने आया था और राहुल गांधी जी का वक्तव्य ने पूरे हिंदुस्तान को दहला के रख दिया था। जब यह विषय सामने आया कि राहुल गांधी ने कहा कि भारत में आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश के हिंदुओं से है, द कंट्री फेसेस अ बिगर थ्रेट फ्रॉम द हिंदूज दैन फ्रॉम टेररिज्म। यह आप सबको पता है, जब हमारी सरकार नहीं थी उस समय यह पूरा विषय खुलासे के रूप में सामने आया था। हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, यह शशि थरूर जी का वक्तव्य था 2028 के जुलाई माह में। ठीक उसी प्रकार पी चिदंबरम जी ने 25 अगस्त 2010 को पहली बार सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। यह अनायास ही नहीं किया था, यह कोई संयोग नहीं था जो उन्होंने प्रयोग कर लिया, और बाकी कई नेताओं ने उसके पश्चात सैफरन टेररिज्म का प्रयोग किया। यह बहुत ही सोचा समझा और कहीं ना कहीं एक षड्यंत्रकारी जाल बिछाया गया था गांधी परिवार द्वारा। और हमें वो भी याद है जब हमने टीवी में डिबेट्स किए थे, क्योंकि इनकलाब नामक एक बहुत बड़े उर्दू अखबार ने राहुल गांधी जी का वक्तव्य छापा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। ये सब बातें छुपी नहीं हुई हैं, ये जनता के सामने है। बंधुगण, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा, जब राहुल गांधी जर्मनी में जाते हैं और जर्मनी में उन्होंने किस प्रकार से भारत की मूल संस्कृति, भारत की सभ्यता के खिलाफ उन्होंने वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था
कि भारत में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसकी वजह भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के कारण महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। आपको यह भी याद होगा कि एक ऐसा वक्त था जब राहुल गांधी जी ने कहा था, मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, और मैं लिख के लाया हूं, हिंदू धर्म में मंदिर जाने वाले लोग लफंगे होते हैं। राहुल गांधी इलेक्शन से ठीक पहले जाते हैं मंदिर, वो वोट मांगने जाते हैं, वो वोट की राजनीति करने जाते हैं, और यहां वो कह रहे थे मंदिर जाने वाले लफंगे होते हैं और लड़कियां छेड़ते हैं। दुख के साथ आपको यह भी याद होगा, यह वही पॉलिटिकल पार्टी है जो आज नफरत की बात कर रही है, विचारधारा की बात कर रही है। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है 2019 के चुनाव से पहले भगवान श्री राम के मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो उसके लिए भरसर प्रयोग किया था, उसके लिए भरसर प्रयास किया था। उनके पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया था, जो उनके पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनके तरफ से भरे अदालत में यह कहा गया था कि मिलॉर्ड, ये जो सुनवाई भगवान श्री राम के मंदिर के लिए हो रही है, इस सुनवाई को टाल दिया जाए, 19 के चुनावों के पश्चात ये सुनवाई। भगवान राम के अस्तित्व को लेकर किस प्रकार से सोनिया गांधी जी के पार्टी ने एक एफिडेविट दिया था जिसमें भगवान राम को काल्पनिक बताया गया था, यह भी हमसे अछूता नहीं, यह भी हम जानते हैं। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपने कहा कि आपने उपनिषद पढ़े, राहुल गांधी जी ने उपनिषद पढ़े। राहुल जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद छंदोग्य उपनिषद ऐसा नाम तक उच्चारित करके दिखा दीजिएगा। उपनिषद पढ़ा है आपने, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया हो तो वही काफी है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में यह प्रयोजन ही नहीं है कि हम वैमनस्यता फैलाएं। आपने आज जिस प्रकार से हिंदू धर्म और हिंदुइज्म के खिलाफ बोला है, दिस इज अगेंस्ट द बेसिक टेनेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने ना ही भारत का संविधान पढ़ा है और उपनिषद तो बहुत दूर की बात है। आप केवल उपनिषद के नामों को उच्चारित करिए, यही हमारे लिए बहुत होगा। मुझे याद आता है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता। आज राहुल जी ने हमारे मन को, देश के 130 करोड़ जनता के मन को ठेस पहुंचाया है हिंदू धर्म के विरोध में कह के। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लोग दूसरों को मारते हैं, काट देते हैं, हम सिखों को बाकी लोगों को मारते हैं। ये घृणक शब्द है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राहुल जी, आपने शायद अटल जी की कविताएं नहीं पढ़ी होंगी राहुल जी, मगर हमारे परम आदरणीय अटल जी की कविता की एक पंक्ति में पढ़ के आपको सुनाता हूं। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं सबको गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, गोपाल राम की नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय को जीतने का निश्चय, हिंदू तनवन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही है हिंदुइज्म, यही है सनातन धर्म, यही है हिंदू धर्म। सबको अपने आहोश में ले लेना, सबसे गले लग जाना, सबको लेकर चलना, यही हमारा विराट धर्म है। इसको मारने वाला, मरने वाला, इस प्रकार के शब्दों से अलंकृत करना उचित नहीं है राहुल जी। और राहुल जी, आपने आज अपने भाषण में नफरत वर्सेस प्यार की विचारधारा के विषय में बात कहा कि हम तो नफरत करने वाले लोग हैं और आप प्यार करने वाले। राहुल जी, आपसे एक निवेदन है, अब आपकी वर्चुअल रैली समाप्त हो गई होगी, जरा दो टुक प्यार भरी बातें G23 वालों से कर ले। बहुत टमाटर से मारा आपने कपिल सिब्बल जी को, थोड़ा सा बुला करके प्यार से चाय पिला दी। अभी हमने टेलीविजन चैनलों के माध्यम से देखा है सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, उन दोनों को बैठाकर भी जरा प्यार की भाषा का प्रयोग करवाएं। वहां छत्तीसगढ़ में भी भूपेंद्र बघेल और सिंहदेव जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहां भी प्यार फैलाएं। और सुबह सुबह ही आज हमने देखा नवजोत सिंह सिद्धू जी फिर से चन्नी जी के ऊपर हमला कर रहे थे, वहां भी प्यार की आवश्यकता है। मुझे लगता है राहुल जी, हिंदू धर्म पे हमला छोड़ करके आप अपने पार्टी के अंदर प्यार फैलाने की कोशिश करें। जहां तक हिंदू धर्म के खिलाफ
बयानबाजी करने का जो ये सिलसिला कांग्रेस पार्टी में है, हमें पता है आपका पूरा परिवार ये गांधी परिवार हिंदू धर्म को चाहता नहीं। यू हैव अ पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट हिंदुइज्म, पर ईश्वर के लिए, राम के लिए कम से कम उसे प्रदर्शित तो ना करें, कम से कम घृणा फैलाए तो नहीं। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये रोज रोज जो आप राहुल जी सावरकर जी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, गांधी वर्सेस सावरकर करने की कोशिश कर रहे हैं, महान विभूतियों को विभक्त मत करिए, उन्हें भिन्न भिन्न करके मत देखिए। इन महान विभूतियों ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई, सावरकर ने गांधी के लिए अच्छा कहा, गांधी ने सावरकर के लिए अच्छा कहा, और ये सारी चीजें पुस्तकों में लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। मुझे कष्ट होता है, आप महाविकास आघाड़ी उस सरकार के हिस्से में, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, और सावरकर जैसे हिंदुस्तान के गौरव के ऊपर, एक मराठी मानुष के ऊपर, जिस मराठी मानुष ने पूरे हिंदुस्तान में अपने ओज के कारण, अपने वीरता के कारण नाम कमाया है, आप उस मराठी मानुष पर रोज हमला करते हैं। और मुझे आश्चर्य है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो महाराष्ट्र में आपके साथ गठबंधन में है, वो आपकी बातों को सहते कैसे, इनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं राहुल गांधी से। आज सिर्फ इतना ही कहना था, और मुझे दुख होता है जब आप अपनी इन ओछी बातों में भगवान शिव, हम सबके आदरणीय गुरु नानक देव, कबीर जी, इनको लेकर आते हैं। आपका यह कहना कि भगवान शिव हमारे विचारधारा को मानते थे, महायोगी अनंत योगी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि कांग्रेस की विचारधारा को भगवान मानते थे, पहले आपने कहा था ये जो कांग्रेस का हाथ है ये गुरु नानक देव जी का हाथ है, ये भगवान राम का हाथ है, भगवान शिव का हाथ है, मुझे लगता है ये विचारों के साथ खिलवाड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी से क्षमा याचना करवाने की मांग भी रखना, अन्यथा होगा, क्योंकि यही उनका ध्येय है। ये आज जो 100, 200, 300, 400, 500 पता नहीं, नंबर भी फिक्स नहीं है उनके मन में, कितने लोगों को ये वॉलंटियर के रूप में भेजना चाहते हैं, 100, 200, 300 या 400 या 500, ये कितने भी लोग आप भेजने वाले हैं, आप इन वॉलंटियर्स के माध्यम से हिंदू धर्म के विरोध में पूरे देश में वातावरण ना खड़ा करें, भगवान राम के खिलाफ किसी प्रकार का वातावरण ना खड़ा करें। हम इतना ही कहेंगे, आपसे क्षमा याचना मांगना मुझे लगता है व्यर्थ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समित भाई, एक प्रश्न है, आपने कहा कि ये जो वक्तव्य है ये अनायास ही नहीं है, ये जो है प्रयोग है, क्या लगता है कि आने वाले जो पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव है उस प्रयोगशाला में ये प्रयोग किए जा रहे हैं, और अगर ये प्रयोग किए जा रहे हैं तो ये ध्रुवीकरण अगर है ऐसा, तो वो जनेऊ दिखाने का मतलब, गोत्र बताने का मायना क्या है? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये अनायास नहीं है, ये प्रयास है। अनायास उनके मुख से या उनके नेताओं के मुख से हिंदू धर्म के खिलाफ शब्द नहीं निकल रहे, विचार नहीं निकल रहे, बहुत सोच समझ करके ये सारा, आप देखिए एक क्रोनोलॉजी में हो रहा है। पहले सलमान खुर्शीद बोलते हैं, फिर राशिद अलवी आके कहते हैं, जो जय श्री राम बोलते हैं वो निशाचर होते हैं, वो राक्षस होते हैं, उसके बाद इन सबको जस्टिफाई करने के लिए खुद राहुल गांधी मैदान में उतरते हैं और वो कहते हैं कि हिंदुइज्म जो है वो लोगों को काटता है, वो मारता है। तो ये बहुत सोच समझकर तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने की नीति है, और कोई आज से नहीं हो रहा है, ये विगत 70 वर्षों से, जब से कांग्रेस पार्टी जितने भी कालखंड में रही है सत्ता में या सत्ता से बाहर, तब से कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति करते आ रही है। There was demand that now Rahul Gandhi or the top leadership of the Congress party should come. But then the statement of Rashid Gandhi came, and then Rahul Gandhi in a way has supported what Salman Khurshid has said. He has said that people who are beating Hindus, Sikhs and Muslims, they are forming Hindutva. So you think the Congress party first is not on the same page when it comes to the definition of Hindutva? And secondly, what is being said by Salman Khurshid is being endorsed by Rahul Gandhi completely? No, rather I would say, what you asked was whether Rahul Gandhi is endorsing what Salman Khurshid said. I would just put the corollary over here, that in fact Salman Khurshid has endorsed what Rahul Gandhi has been saying since long. Remember, it was Rahul Gandhi who went to a foreign destination, probably London, and there he said
that in fact RSS and the Hindu ideology was similar to the Muslim Brotherhood. He had already made a similar kind of comment in a foreign destination, and I'm sure Mr. Salman Khurshid must have been inspired by the statement of Rahul Gandhi, or might be Rahul Gandhi might have asked Salman Khurshid to reflect the same in his upcoming book. To say that all these are lone wolves, absolutely wrong. It's a pack of wolves. देखिए, दर्शन और प्रदर्शन दोनों में पार्थक्यता होती है, दोनों में फर्क है। अगर ये हिंदू दर्शन को समझते तो हिंदुइज्म के खिलाफ इस प्रकार की गालियां नहीं निकालते। अगर हिंदू दर्शन को समझते तो कभी नहीं कहते कि हिंदू लोग दूसरों को काटते हैं, मारते हैं। ये प्रदर्शन की राजनीति करके वोट पाने की इच्छा करते हैं, और इसी से इनकी जो असली नीयत है, तुष्टिकरण की नीयत, उसके विषय में हिंदुस्तान जान पाता है। लेडीज, ऑफकोर्स इट इज नथिंग बट अपीजमेंट पॉलिटिक्स, एंड इट हैज बीन प्रैक्टिस्ड बाय द कांग्रेस पार्टी सिंस सो लॉन्ग दैट नाउ इट इज समथिंग विच द कंट्री अंडरस्टैंड्स। इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी हर्ड सच काइंड ऑफ अटरेंसेज फ्रॉम सलमान खुर्शीद और फ्रॉम राहुल गांधी। सच काइंड ऑफ अटरेंसेज हैव बीन ऑफ क्वाइट कॉमन नेचर एज फार एज द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न। ऑफकोर्स इट ड्रॉज इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। धांडा जी पूछ लीजिए साहब। देखिए, बीजेपी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, जनता जनार्दन होती है, और इसे केवल 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर नहीं, भारत के संस्कृति के मद्देनजर देखना चाहिए। भारत की संस्कृति को जो लोग इस प्रकार के अपशब्दों से अलंकृत करते हैं, जिनके लिए अपशब्द प्रयोग करते हैं, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की जनता कभी भी कांग्रेस पार्टी को क्षमा नहीं करने वाली है। नड्डा साहब, लास्ट Now, can they talk on similar lines about any other religion? Of course not. They cannot talk about similar issues in any other religion. The question is, why do they speak ill against Hinduism all the time? Secondly, and most importantly, if they don't understand what Hinduism is, let them first understand what Hinduism is and thereafter comment all these. Thirdly, it is not for the first time that such comments have been made. Some of the worst comments have come in the yester years when they have used words like saffron terror. Saffron is a color which of course denotes Hinduism at large. It denotes sacrifice of Hinduism. So why use such kind of controversial statements time and again for a peace-loving religion? I would say every religion is peace-loving. So the Constitution of India does not allow such kind of statements for any religion. अगर ऐसा कोई निर्णय होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बताएंगे। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.